गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको राधा रानी फ्री ट्यूशन में। और आज हम बात करेंगे वर्सिन नंबर 21। बेटा समझना है और उसको नोट आउट करना है, केवल सिर्फ नोट आउट नहीं करना है देख के, ठीक है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बेटा देखो, एक बात मैं आपको बता दूं, होता क्या है ना, एक ट्रायंगल सिमिलर कब होता है, देखो क्या दे रखा है, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। आपने प्रीवियस सारे क्लास में पढ़े हो, मैं आपको लास्ट में इसकी बताता हूँ कि इसके में क्या, पहले क्वेश्चन सर वगैरह है, मैं आपको एक समझा देता हूँ कि दो ट्रायंगल है वो सिमिलर क्या होगा। सिमिलर अगर एक ट्रायंगल का एंगल और एंगल दूसरे के दो एंगल के साथ बराबर है तो आप क्या कह सकते हैं, ना वो सिमिलर कह सकते हैं। अदरवाइज एक चीज और क्या होता है, अगर इनके जो साइड्स होती है वो प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं ए बी बाय बी सी, अगर मान लो कि एक ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ दे दिया, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं ए बी डिवाइडेड बाय डी ई एफ बताया ना बेटा, और इक्वल टू मैं क्या करूंगा ना, वो बराबर में मैं कर दूंगा बी सी डिवाइडेड बाय क्या करूंगा बेटा बी सी, थोड़ा सा आपको बोर लगेगा लेकिन कोई बात नहीं, उसको आप समझ भी जाओगे, डिवाइडेड बाई ई एफ, ई और एफ, और इक्वल टू सी ए, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ना सी ए सी और ए डिवाइडेड बाय डी ई एफ, तो हो गया डी ई एफ ई और एफ डी, और क्या हो गया एफ डी। अगर ऐसे होगा तो आप क्या कहेंगे ना, दोनों जो ट्रायंगल है वो आपका सिमिलर है, या तो ऐसे कंडीशन में हो जाएगा बेटा, या तो ऐसे कंडीशन में हो जाएगा। तीसरा कंडीशन आप थ्योरम में पढ़ेंगे 6.345, उसमें आपको पढ़ना मिलेगा, कोई भी दो साइड प्रोपोर्शनल हो रहा है, जैसे ए बी बाई डी ई, ये दोनों दो अगर आपको प्रोपोर्शनल दे दिया है, और तीसरा एक ये दे दिया कंडीशन, और तीसरा आपको क्या दे दिया, ये ए बी और बी सी के बीच में बी एंगल आपको बराबर हो गया, इसका मतलब आप क्या करोगे ना, ये बी एंगल बराबर में एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू आपका हो जाएगा एंगल ई। तो इसके लिए भी आप कह सकते हैं कि क्या है वो सिमिलर है, हिंदी में बोलते हैं समरूप, क्या बोलते हैं बेटा समरूप। तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगा, या तो किसी ट्रायंगल में दो एंगल दूसरे के दो एंगल के साथ समान है, या तो तीनों भुजा प्रोपोर्शनल हो रहा है, या दोनों भुजा लगातार प्रोपोर्शनल हो रहा है और उसकी जो दोनों एंगल के बीच में जो एंगल वो बराबर हो रहा है, तो इस कंडीशन में आप क्या कह सकते हैं ना, ए बी सी सिमिलर टू ए बी सी डी ई एफ। और कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या है, जिसे हिंदी में सर्वांगसम बोलते हैं, सर्वांगसम के लिए आपको पिछले क्लास में आप पढ़े हो, साइड आपने पढ़े हो, उसके बाद आपने और क्या पढ़े हो, एंगल फिर आप साइड पढ़े हो, एंगल साइड, उसके बाद और क्या पढ़े हो बेटा ना, साइड फिर एंगल फिर आप पढ़े हो साइड, उसके बाद तीसरा क्या पढ़े हो, राइट एंगल, उसके बाद हाइपोटेनियस, उसके बाद साइड। देखो भुजा कोण भुजा, ये कर्ण है, ये राइट एंगल समकोण है, ये कर्ण है, ये साइड है, तो ये जो चारों कंडीशन है ये आपका कॉन्ग्रुएंट होता है, इन कंडीशन में सिमिलर होता है। सिमिलर में एंगल समान होगा लेकिन साइड्स प्रोपोर्शनल होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन इनमें से सिर्फ एंगल समान होने से नहीं होगा, एक साइड भी बराबर होगा, ठीक है। आपको ये वर्कशीट में पढ़े अच्छी तरह से आपको समझाया हुआ है बेटा, और जरूर आप इसको पढ़िए, जरूर नोट्स आप नोट आउट करे हो अच्छी बात है, लेकिन पढ़ो। देखो दोनों एंगल आपका, तीनों एंगल आपका बराबर दे दिया तो भी सिमिलर है, या तो तीनों साइड प्रोपोर्शनल दे रखा है तो भी आप कह सकते हैं आपको सिमिलर। दूसरा जो मैंने आपको लिखा है वो आपको आगे थ्योरम में आपको मिलेगा, ये मैं गलत नहीं लिखा, ये देखो ये दोनों आपका, अगर दोनों साइड आपको लगातार आपको दे रखा है प्रोपोर्शनल दे रखा है और एक उसके बीच का एंगल बराबर दे देगा तो भी आप सिमिलर कह सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर। देखो ये तो मुझे समान नजर नहीं आ रहा है, ये भी समान नजर नहीं आ रहा है, ये जो पहाड़ में क्या समान कुछ पता नहीं चल रहा है, इसका हाइट इसका हाइट समान लग रहा है लेकिन इधर से ये है उसमें, ये दोनों मुझे समान लग रहा है, जहां तक चप्पल का जो दोनों पैर होता है वो थोड़ा ठीक ठाक होता है, तो इसमें कॉन्ग्रुएंट अगर फिगर होगा मुझे ये दोनों लग रहा है और कोई नहीं है, ए वाला जो है वो कॉन्ग्रुएंट लगेगा क्योंकि उसकी जो उंगली का साइज सब चीज उसका सेम है, जैसे फिगर में कॉन्ग्रुएंट में दोनों आपको देखने को मिलता है, ए बी बराबर में पी क्यू, बी सी क्यू आर, ए सी पी आर, और तब मैंने इन दोनों को मैंने बोला, ठीक है बेटा। आगे आ जाओ, आइडेंटिफाई द सिमिलर हेक्सागन। हेक्सागन क्या होता है, अब षटभुज जिसे छह भुजा है बेटा, देखो ये बड़ा है ये छोटा है, तो दिस साइड बाय दिस साइड, दिस साइड बाय दिस साइड, ये सिमिलर हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होगा लेकिन ये आपका ये ए बी हो सकता है
और साथ में आपका सी और डी आपका हो सकता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ए बी और सी और डी। थर्ड और फोर्थ का आंसर आपको नीचे दे रखा है, देखो फर्स्ट आंसर ए कन्वर्जेंट फिगर है, ए बी और सी डी सिमिलर हेक्सागन दिख रहा है। तीसरा में देखो अगर दोनों अगर सिमिलर होगा समरूप होगा तो इसीलिए हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसका आपका 7/PQ = 10/QR, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर दिया बेटा, तो आपको पी क्यू मिल गया 10.5, क्यू आर निकल गया 15, तो पी क्यू और क्यू आर मुझे मिल गया। और नेक्स्ट जो आपको आंसर दे रखा है, इसका आंसर है क्वेश्चन उधर दे रखा है, पहला क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया, पहला क्या हो गया बेटा ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर एंड सर्कल्स हैविंग सेम रेडी, अगर उसका रेडियस समान हो जाएगा तो क्या होगा वो ना, अगर कोई भी सर्कल है अगर सारा चीज सेम हो गया तो वो क्या हो जाएगा सेम रेडी हो जाएगा, तो भी आपको ऐसे कभी सर्कल वो आपका क्या हो जाएगा ना, ये भी आपका हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। आगे आप आ जाओगे, अगर एक बात आप ध्यान दो बेटा, ओके बेटा तो देखो तो क्या दे रखा है ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, देखो सर्कल तो सारे सिमिलर होती है लेकिन अगर उसका रेडियस सेम हो जाएगा तो बेटा वो कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है और ये लिखा है, ये आपको आंसर दे रहा है, फोर का फर्स्ट होगा कॉन्ग्रुएंट, सेकंड का सिमिलर, तीसरा इक्विलेटरल हो जाएगा, और फर्स्ट का पहला दे रखा है टू एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर फिगर, अगर टू स्क्वायर अगर अलग अलग साइज का हो जाएगा अलग अलग उसके लेंथ का हो जाएगा तो भी आपका वो सिमिलर हो जाएगा, दो सर्कल अगर डिफरेंट डिफरेंट साइज का होगा मतलब उसकी जो रेडियस अलग अलग हो जाएगा तो डिफरेंट रेडी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा तो वो भी डिफरेंट साइज का मतलब हो गया डिफरेंट रेडी हो जाएगा बेटा, तो भी आपका क्या हो जाएगा वो भी वही है। और आपको दे रखा है और नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट बेटा क्या दे रखा है, सेकेंड पॉइंट हिंदी में भी बता दूंगा बेटा, परेशान मत हो जो बेटे हिंदी मीडियम आप लोग कोस रहे होंगे, सर जी इंग्लिश में बता रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सर्वांगसम फिगर बताओ ना, अगर दो स्क्वायर है दो वर्ग है अगर उसकी लेंथ इक्वल होगा तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और दो समबाहु त्रिभुज है जिसकी सेम साइड है मतलब एक साइड इक्वल है तो बेटा क्या होगा इक्वल साइड या इक्वल साइड कर सकते हो इन इक्वल साइड EQUAL इक्वल साइड अगर होगा तो भी बेटा क्या टू ट्रायंगल्स इन इक्वल साइड तो आपका ये भी आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सर्वांगसम। यह आपका समरूप के लिए उदाहरण दे दिया, दो वर्ग ले लोगे जो अलग अलग साइज का है, और दो सर्कल ले लोगे वृत्त ले लोगे जो अलग अलग रेडी का है, और अगर आपका कॉन्ग्रुएंट के लिए आएगा दो वर्ग ले लो जो समान लेंथ का है, और दो समबाहु त्रिभुज ले लो जो समान एक साइड समान हो, एक एक समान हो गया तो सारा समान ही हो जाएगा। तो ये बेटा मैंने बताया कॉन्ग्रुएंट मींस होता है सर्वांगसम, सिमिलर होता है समरूप, इक्विलेटरल हो गया बेटा समबाहु। तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, ये वर्कशीट नंबर 21 जरूर बेटा आगे आप शेयर कीजिए और इस चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाइए जिससे कि और भी सारे वीडियो और अदर एनी फ्री ट्यूशन में आपको मिलेगा, जरूर सर्च कीजिए। बाय बेटा, टेक केयर बेटा।